रेडियो साथियों, समाज की जरूरत के लिए आपके सामने लाया हूँ। समाज की जरूरत आज भी बाहरी खूबसूरती होती है, समाज की जरूरत आज भी अच्छे लोगों को, खूबसूरत लोगों को देखना होती है। तो बात यहाँ दिखाने की नहीं है, लेकिन बात अपने कॉन्फिडेंस की है। तो समाज की इस जरूरत को पूरा करने के लिए आज मैं आपके पास ये वीडियो लेके खड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस वीडियो में संपूर्णता है। समाज में तो बाहर से आदमी देखता है, लेकिन अंदर से भी आप स्वस्थ रहें, ये बात भी इस वीडियो में एड्रेस करी जाएगी। आपको रूबरू कराया जाएगा उन दवाओं से जिससे आप बिना ज़्यादा पैसा खर्च करें अपने को फिट रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, बड़ी उम्मीद से आपने एंटी एजिंग होम्योपैथी पर क्लिक करा होगा, और मैं समझता हूँ 80% लोगों का यह एक्सपेक्टेशन से क्लिक करा होगा केवल कि वो कैसे खूबसूरत दिखे। इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा साथियों। थोड़ा लंबा वीडियो है, धैर्य से देखिएगा, क्योंकि हमको दो हिस्सों को इसमें कवर करना है। एक तो बात हो गई वो एंटी एजिंग, जो हमारे 90% साथियों का नज़रिया है कि हम खूबसूरत कैसे दिखें, उम्र के साथ हमारी खूबसूरती कम ना हो, हम उम्र के साथ और खूबसूरत देखने लगें। जैसे कि हम लोग के सबकी एक एग्जाम्पल है हम लोग के सामने रेखा जी का। रेखा जी जो बॉलीवुड अदाकारा हैं, ऐसे तो बॉलीवुड आप देख ही रहे हैं, एक मैं तो कहूँगा कि जो हालात इस समय चल रहे हैं ड्रग से लेके सब कुछ, मुझे एहसास होता है हर व्यक्ति लगभग वहाँ पे ड्रग लेता है। तो यह जो एक मैं समाज का, इसको मैं व्यक्तियों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह जो फिनामना है बॉलीवुड, इसको मैं समाज का कचरा कहूँगा। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी एक ट्वीट में कि ऐसे पूरी व्यवस्था को लक्षद्वीप आइलैंड ले जाके डाल देना चाहिए जैसे हॉलीवुड को आउटस्कर्ट्स पे अमेरिका ने डाल दिया था, जिसमें ना संबंधों का कोई बयार बची है, ना संबंधों का कोई लिहाज बचा है, ना जीवन का कोई नियम बचा है, बस बचा है तो केवल दिखावट, चमक धमक और दूसरों की उम्मीदों पे खेलना। समझ में नहीं आता कौन गलत है। इस समय हिंदुस्तान एक उधेड़बुन में फंसा है कि सुशांत सिंह जी सही थे कि रिया चक्रवर्ती सही है। आधे मीडिया चैनल कहते हैं रिया चक्रवर्ती सही है, आधे चैनल कहते हैं सुशांत सिंह जी सही हैं। बहरहाल वो विषय में हमको नहीं जाना है। तो 80-90% लोगों ने कैसे खूबसूरत बने, कैसे जवान बने, इसके लिए इस वीडियो को क्लिक करा होगा। 10% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वीडियो इस सोच से क्लिक करा होगा कि कैसे उनका अंदर शरीर में एंटी एजिंग ना हो, कल को उन्हें कैटरैक्ट ना हो, कल को उनके नाखून ना झड़ने लगे, कल को उनको ब्लड प्रेशर ना हो, कल को उनको हार्ट अटैक ना हो, उनको डायबिटीज़ ना हो, ये सोच के करा होगा। तो मैं आप दोनों लोगों के उत्तर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो अच्छा है। तो जब आपको खाली वक्त मिले, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आपको खाली वक्त हो आपके पास, तब आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं सोचता हूं आपकी हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सबको गुजरना है, वक्त के साथ होता है। मेरी बचपन में आँखें कमज़ोर नहीं थी, आज मेरी आँखें कमज़ोर हैं। बचपन में शायद मेरी स्किन और अच्छी हो, अब थोड़ी ख़राब हो गई। बचपन में और गोरी हो, अब थोड़ी काली हो गई। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज का डिफरेंस चलता रहता है, इसके उधेड़बुन में आदमी फंसा रहता है। कभी कभी कम उम्र का होता है ज़्यादा का दिखता है, और कभी कभी ज़्यादा उम्र का होता है कम का दिखता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे तो ज़रूर इन दो तरह के लोगों में फ़र्क ला देते हैं। तो आज हम लोग उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे, उसकी कारगर होम्योपैथिक दवाएँ आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप जवान दिख सकते हैं और कैसे आप अंदर से जवान बने रह सकते हैं। तो यह आपको समझना बहुत जरूरी है। एजिंग साथियों,
दो प्रकार की मानी जाती है, एक इंट्रिंसिक एजिंग होती है और एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है। इंट्रिंसिक एजिंग वो होती है जो आपकी जेनेटिक होती है, जीन के माध्यम से होती है और उससे आपके सेल्स कोशिकाएं मैनेज होते हैं। और एक्सट्रिंसिक एजिंग वो होती है जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सारे फैक्टर्स को मिलकर एक्सट्रिंसिक एजिंग बनती है। और इन दोनों को मिला के आपकी क्यूटेनियस एजिंग होती है जो आपकी स्किन की एजिंग होती है, जो कि जिससे आप सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे सारी बातों को कवर करें, सारे बिंदुओं को कवर करें, चाहे वो आपके चेहरे के रिंकल्स हों, चाहे स्किन का लटकना हो, चाहे स्किन का काला होना हो, चाहे स्किन का मुरझाना हो, ऐसी तमाम बातों को इसमें मैं आपको होम्योपैथी के दायरे से बताऊँगा कि क्या कारगर दवाएँ किस समस्या के लेके अपनी एंटी एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं अपनी एजिंग को, और अपने को ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए आप कॉन्फिडेंट रूप में आप सामने आ सकते हैं। तो साथियों, आपके सामने पेश है कुछ बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं जो विशेष विशेष सैंपल पे काम करेंगी और आपको ठीक करेंगी। आज हम बताएंगे साथियों आपको एंटी एजिंग का ऐसा क्राइटेरिया कि होम्योपैथी में जो सॉल्ट्स मौजूद हैं, यही सॉल्ट आपके सेल का पार्ट है, तो आप किस सॉल्ट की कमी से आपके कौन से सेल में कमी आ रही है, जिससे कौन सी समस्या आपको सही हो, इन तीनों का कोरिलेशन हम आपको बताएंगे। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे। जैसे कि आपकी स्किन लटकने लगी, आपकी स्किन लटकने लगी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो गई। जब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो गई तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी जो कोशिका है उसमें कमी है कैल्शियम की और फ्लोरिकम की। तो कैल्केरिया फ्लोर जो होम्योपैथी में दवा आती है, यह इलास्टिसिटी को प्रमोट करती है। तो जब आप कैल्केरिया फ्लोर दवा लेंगे तो आपके जो स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, यह इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी, और जब इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके टेंडनाइटिस जॉइंट्स का पेन ख़त्म हो जाएगा, आपका हर्निया ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इलास्टिसिटी से रिलेटेड जितनी भी शरीर की समस्या है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो दिखने वाली, चाहे वो शरीर के अंदर होना दिखने वाली, वो सारी सही होंगी। तो इसी लाइन पे हम लोग इस वीडियो में चलेंगे, आपको वो तत्व बताएंगे जो होम्योपैथी में मौजूद है और जो आपकी कोशिका का तत्व है जो कमी है, आप कोशिका के तत्व के सिम्टम की कमी को जान के वो तत्व का होम्योपैथिक सॉल्ट लेकर अपनी इस एंटी एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है साथियों, बस थोड़ा लंबा वीडियो है, धैर्य से सुनिएगा और इसमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं उस सफर पे जिस पे आपको बताते हैं वो 10 जादुई सॉल्ट्स जो आपके शरीर की विभिन्न कमियों को दूर करके आपको एंटी एजिंग का प्रोसेस इनिशिएट करके एजिंग का प्रोसेस रोकने में आपकी मदद करेंगे। वीडियो बताने से पहले साथियों बता दें, यह वीडियो आपके सूचना मात्र के लिए है, दवा कोई भी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। पहली स्थिति साथियों आती है कि आपके टिश्यू की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई हो, आपके स्किन के टिश्यू की इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई हो और आपके पूरे शरीर में जगह जगह स्किन में क्रैक्स आ रहे हों, जगह जगह फिजर आ रहे हों, आपके दांतों का इनेमल ख़त्म हो गया हो, आपके नेल्स पीछे की तरफ रिसीट करने लगे हों और आपके शरीर की इलास्टिसिटी ना हो, जो क्रैक्स और फिजर्स आ रहे हो, तो अगर यह स्थिति आप में और आपकी स्किन लटकने लगी हो, तो अगर यह स्थिति आप में साथी हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, या यूँ कहो बहुत कारगर सॉल्ट है, और सॉल्ट का नाम है कैल्केरिया फ्लोर। अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही है, स्किन आपकी लटक गई है, स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं, आपके स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में कैल्केरिया फ्लोर। इसको आप 6x पावर में 4 टेबलेट सुबह और 4 टेबलेट शाम को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। यह आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को वापस लाएगी, आपकी स्किन को टाइट बनाएगी और जब स्किन टाइट होगी तो निश्चित रूप से उसमें चमक भी आएगी, जो आप भी चाहते हैं और ये समाज भी आपसे चाहता है। एक स्थिति आती है साथियों, आपकी स्किन में सिकुड़न पैदा हो गई, आपके होंठ भी सिकुड़ गए, आपकी स्किन भी सिकुड़ गई, स्किन वैक्सी टाइप हो गई, उसमें एक गलत तरह की चमक आने लगी और पेल हो गई, यानी कि उसकी चमक ख़त्म हो गई।
तो अगर ये वैक्सी और पेल लुक हो, आपके होठ सिकुड़ रहे हों और इस तरह के आपके हो रहा हो, तो इसका ये भी मतलब हो गया कि आप में टिश्यू को सही से नरिशमेंट नहीं पहुंच रहा है। तो आपको अपने सेल्स को नरिश करने के लिए स्किन में बहुत कारगर दवा है साथियों, कैल्केरिया फॉस्फोरिकम। आप कैल्केरिया फॉस 6x में 4 गोली सुबह, 4 टेबलेट शाम, उसी स्थिति में ले सकते हैं जब आपके टिश्यू को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा हो और आपकी स्किन में सिकुड़न पैदा हो रही हो, वो वैक्सी और पेल हो रही हो, आपके लिप्स सिकुड़ रहे हो, आपके शरीर की स्किन सिकुड़ रही हो, आपके झुर्रियाँ पड़ रही हो, तो कैल्केरिया फॉस बहुत अच्छी दवा है। आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा हो तो कैल्केरिया फॉस बहुत अच्छी दवा है, जो इन सारी स्थितियों को आपके ठीक करके आपको स्वस्थ बनाएगी। फिर साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय आता है कि आपकी स्किन में टॉक्सिसिटी हो गई। आपकी स्किन में टॉक्सिसिटी हो गई और आपकी स्किन जो है वह जैसे लगते प्योर टच नहीं है, उसमें उसके सेल्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है, जो आपके चेहरे पे झाई खट्टा हो रही है, आपके चेहरे पे जो है पूरा शरीर पे आपका कलर ढक रहा है और इस तरह की चीजें हैं। तो अगर यह स्थिति आपको है कि स्किन में प्रॉपर जो है टॉक्सिन्स जमा हो रहे, स्किन एसिडिक रूप स्किन ने ले लिया, स्किन ड्राई हो गई है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया सल्फ। कैल्केरिया सल्फ की खास बात है साथियों कि यह जो आपके टिश्यू की एसिडिटी होती है इसको ख़त्म करती है। कैल्केरिया सल्फ जो सॉल्ट होता है यह वाटर इनटेक को तो लेता है लेकिन एसिड को यह रिपेल करता है, एसिड को बाहर करता है। जो तो जब आप कैल्केरिया सल्फ लेते हैं तो आपका वाटर रिटेन होने लगता है, स्किन की क्वालिटी अच्छी होने लगती है और आपकी स्किन डिटॉक्स होने लगती है, डिटॉक्सिफाई होने लगती है। और जब डिटॉक्सिफाई होती है तो आपके स्किन का सारा लिवर स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं, सारे निशान खत्म हो जाते हैं, स्किन एक जैसी प्योर और वाइट हो जाती है। बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है कैल्केरिया सल्फ सॉल्ट और बेहतरीन नरिशर है। एसिडिक को ये बाहर करता है और वाटर का रिटेंशन करता है। तो अगर आपको अपनी स्किन को खूबसूरत बनाना है, हाइड्रेटेड बनाना है, उसका रूखापन दूर करना है, तो कैल्केरिया सल्फ एक बड़ा अच्छा सॉल्ट है जो आप ले सकते हैं। इसका आप 3x पावर में 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम ले लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन नरिश होने लगी और आपकी स्किन खूबसूरत होने लगी। एक स्थिति साथियों आती है उम्र के साथ कि आपकी आँखें धंसने लगी, आँखों के नीचे कालापन आने लगा, चेहरा आपका दबने लगा, खून की आप में कमी होने लगी। तो जब प्रॉपर आपके आयरन का रिटेंशन नहीं होता है ब्लड में तो यह दिक्कत होती है और उम्र के साथ आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। जैसे कि आप देखें जितने बुजुर्ग लोग होते हैं लगभग सबको अनीमिया की शिकायत होती है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साथियों फेरम फॉस्फोरिकम। आप फेरम फॉस 6x पावर की 4 टेबलेट सुबह, 4 टेबलेट शाम ले सकते हैं। यह दवा आपके एनीमिक कंडीशन को दूर करेगी, आपके आंखों के नीचे जो काले घेरे आ गए इनको ख़त्म करेगी, आपकी नींद को बेहतर करेगी, आपके दिमाग को ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगी और इस तरह से आपके एंटी एजिंग के रूप में काम करके आपके जो 40-50 साल के बाद उम्र में दिक्कतें आने वाली है उसको रोक के आपको जवान बनाए रखेगी। एक स्थिति साथियों एजिंग के साथ आती है कि आपकी मसल्स वीक हो गई। जब मसल भाई फेस में सबसे ज़्यादा मसल्स होती है, हंसने में आपके जने कितनी मैं भूल गया हूँ संख्या, उतनी मसल्स एक बार मुस्कुराने में लगती हैं। तो अगर आपकी मसल्स वीक हो गई तो आपका चेहरा खूबसूरत कैसे रह सकता है? तो होम्योपैथी में एक बहुत कारगर दवा है मैक फॉस्फोरिकम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। तो मैकफॉस एक बहुत अच्छी एंटी स्पास्मोडिक है जो आपके दर्द को भी ख़त्म करती है, आपके मसल्स को टाइट करती है। मसल्स टाइट होने से आपकी स्किन टाइट होती है, आपका जो आकार होता है शरीर का वो बिगड़ने नहीं पाता है, तो उसके लिए बहुत कारगर है और एक बहुत इफेक्टिव पेन किलर के रूप में भी काम करती है। तो आप अगर लगता है आपको स्किन लूज हो रही है, लटक रही है, आपकी मसल्स लूज हो रही हैं या वेस्ट हो रही है, तो उस स्थिति में आपके समस्या से निपटने की बहुत अच्छी दवा मैकफॉस है। इसकी आप 2 गोली 6x पावर में सुबह और 2 गोली 6x पावर में शाम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। यह आपके स्किन को बेहतरीन बना के आपको जवान बनाए रखेगी। एक स्थिति साथियों आती है जो एंटी एजिंग के साथ वो होता है कि आपकी नसें दिखने लगी।
आँखों के पास आपकी बहुत सारी नसें दिखने लगती हैं और इस तरह आपके एंटी एजिंग होने लगती है। और जब ये एजिंग होने लगती है, जब एजिंग होती है तो इसका जो जवाब है वो है एंटी एजिंग। तो बहुत अच्छी एंटी एजिंग दवा है इसमें, जिसका नाम है काली म्यूरेटिकम। काली म्यूर साथियों एक ऐसा सॉल्ट है, तत्व है शरीर का, कि जिससे बिना ब्रेन के सेल्स नहीं बन सकते। यानी जब आपकी एजिंग होती है तो क्या होता है, आपकी याददाश्त जाती है और आपकी नसें चमकने लगती हैं। तो काली म्यूर इतनी अच्छी दवा है, यह आपकी याददाश्त को भी जाने से रोकेगी उम्र के साथ, और आपकी जो नसें चमकती हैं, एंटी एजिंग का बहुत बड़ा एक साइन होता है, उसको भी रोक के आपकी स्किन को फ्लॉलेस, साफ और बेहतरीन बनाएंगे। एक स्थिति साथियों एजिंग के विषय में आती है, डिप्रेशन। आपको जब डिप्रेशन है, आपका मन शांत नहीं है, मन बेचैन है, आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा। और जब आप डिप्रेशन में आएंगे तो आपका चेहरा भी धीरे धीरे वैसा होता जाएगा, आपका शरीर भी वैसा ही होता जाएगा। तो और आपको ना नींद आएगी, आपके गाल धंस जाएंगे, आपकी जो है आँखें धंस जाएंगी, गाल अंदर चले जाएंगे और आप परेशान रहेंगे, वो परेशानी आपके चेहरे पे दिखेगी। और ये भी एक धीरे धीरे आप एक उम्र ज़्यादा दिखने की तरफ बढ़ेंगे। तो इस स्थिति में आपके डिप्रेशन को ख़त्म करने की और आपके जो यह गाल धंसना, नींद ना आना, इन सब समस्याओं को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है कालीफॉस। हम सब इस दवा के बारे में जानते हैं। तो कालीफॉस 6x आप चार गोली सुबह शाम एंटी एजिंग के विषय में उस समय ले सकते हैं एंटी एजिंग करने के लिए, कि जब आपको डिप्रेशन की शिकायत हो, आपकी सेहत गिरती जा रही हो, आप खोए खोए रहते हो, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ दिखने लगी हो, तो यह कालीफॉस आपको बिल्कुल स्वस्थ करेगी और आपकी एजिंग को रोकेगी। एक स्थिति साथियों जो एजिंग के साथ होती है कि वो आपके सेल्स डैमेज होते हैं। भाई एजिंग तभी होती है जब ये जो सेल्स हैं यह डैमेज होने लगते हैं और ये रिपेयर नहीं हो पाते, इसकी जगह स्थान दूसरे सेल्स नहीं ले पाते, तभी आपके झुर्री आती है, तभी आपके सब होता है। तो बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एक तत्व है जो आपकी शरीर की उस कमी को पूरा करता है, और वह है काली सल्फ। आप काली सल्फ 6x पावर में चार गोली सुबह चार गोली शाम तब ले सकते हैं जब आपके टिश्यू रिपेयर ना हो रहे हों, आपके जो है वह डेटोरिएशन होता जा रहा हो, आपके खून की कमी हो। तो काली सल्फ फेरम फॉस्फेट के साथ मिलके आपके जो रिपेयर करने की टिश्यू है उसके प्रोसेस को शरीर के बढ़ा देता है, और जब आपके शरीर में वो तत्व जो काली सल्फ जिसकी कमी है वह पूरा हो जाता है, तो आपके शरीर की रिपेयरिंग अच्छी होने लगती है और आपकी उम्र कम दिखने लगती है, यूँ कहें उम्र बढ़ने नहीं पाती है। तो बहुत अच्छी दवा है काली सल्फ इस विषय के लिए। एक स्थिति आती है साथियों एजिंग के विषय में, एक बहुत बड़ी पहचान होती कि व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं और वह परेशान रहता है। तो होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जो आपके जो बाल झड़ने की कंडीशन है, यानी जो टिश्यू को सही नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, टॉक्सिसिटी जमा हो रही शरीर में, फ्री रेडिकल्स दिमाग में आ रहे हैं और फिर आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने, आपके बाल झड़ने से रोकने और तमाम टिश्यू को टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है सलीसिया। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बैडनेस है, आपके पैर जो है क्रोस फीट हो रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो आप सलीसिया दवा ले सकते हैं 6x पावर में दो गोली सुबह दो गोली शाम। इससे आपका टिश्यू बिल्डअप होगा, टॉक्सिसिटी ख़त्म होगी और स्किन की कंडीशन और आपके शरीर की कंडीशन दोनों अच्छी रहेगी। एक स्थिति साथियों आती है एंटी एजिंग की, जिससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि आपकी जब स्किन ड्राई होने लगती है, आपकी आँखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और आपकी स्किन लटकने लगती है या स्किन ऑयली हो जाती है और एसिडिटी, जलन, इन सब चीज़ों की शिकायत रहती है। तो अगर यह समस्याएं हैं साथियों तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नेट्रम फॉस। आप नेट्रम फॉस 6x की दो टैबलेट सुबह या दो टैबलेट शाम तब ले सकते हैं जब आपकी स्किन अचानक ड्राई रहने लगी हो, अचानक बहुत ऑयली हो गई हो, उम्र के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आँखों के ऊपर होने लगे हों, आपके एसिडिटी जलन रहने लगी और आपका ब्लड एसिडिक हो गया हो, तो ये बेहतरीन कुदरती एंटा एसिड है जो आपके ब्लड में काम करके आपके ब्लड की एसिडिटी को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन की ड्राइनेस या ऑयलीनेस और क्रैक्स, इस तरह की सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपको सहायक होगा। इससे आपके पिंपल्स भी ख़त्म होंगे, आपके दाने, एक्टिया, रोडेशिया, ये सब भी चला जाएगा। ये कुछ दवाएं थी साथियों एंटी एजिंग के विषय में जो बहुत कारगर थी।
हमने इन सारे विषयों पे अलग अलग होम्योपैथिक दवाओं के भी वीडियो बनाए हैं, लिंक नोटिफिकेशन पैनल में दिए, आप क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो साथियों है जिसमें आपके डिटॉक्स करने को, बॉडी के हर ऑर्गन को डिटॉक्स करने की दवा है, आप उसको भी देख सकते हैं अपने बॉडी को होम्योपैथी के माध्यम से प्योरीफाई करने के लिए। जहां तक साथियों इस वीडियो का दवाओं का सवाल था, बहुत कारगर दवाएं हैं, लेकिन हम कहेंगे बिना किसी डॉक्टर से पूछे ये मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पर अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। एक बात साथियों और करेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, संसाधन भी लगते हैं, और हम लोग जिस क्वालिटी में बनाते हैं तो वो उसमें वास्तव में मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच, इष्ट मित्रों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, परिवार के बीच वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। हमारा इससे थोड़ा सा नाम हो जाएगा और समाज को अच्छी बात पहुँच जाएगी। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करे होंगे, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। बस यूँ ही अपना आप आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।